धर्मजीत सिंह देसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके के अपने पंजाब दौरे के दौरान शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचे, जहां इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए तमनजीत सिंह ने कहा कि पिछले समय से यूके की सरकार ने इमिग्रेशन के रूल्स में सख्ती की हुई है। ये उस सरकार की गलत नीति है, क्योंकि इस सख्ती के चलते भारत के काबिल व्यक्ति यूके नहीं पहुँच सकते, जिसके चलते उन युवकों को सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है जो यूके के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और वहां काम करना चाहते हैं। देसी का कहना है कि इमिग्रेशन के रूल बैलेंस होने चाहिए। वहीं इस दौरान देसी का कहना था कि ये गलत है कि बाहर केवल खालिस्तानी विचारधारा वाले पंजाबी रह रहे हैं। वहां हर तरह की विचारधारा वाले लोग हैं। वहां की सरकार किसी को समर्थन नहीं दे रही है, ना ही सपोर्ट कर रही है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में यूके के तत्कालीन कैच सरकार की शमूलियत थी। हमने इसकी जांच करवाने की भी मांग की है। अलग अलग मुद्दों पर जिदा आप विचार किया आ उन्होंने जो यूके दे विच असी तां तरक्की लोचते हाँ इत्थे पंजाब दी इंडिया दी मैं चाहुंदा कि अपने देशों दे विच वधिया संबंध होण अते अगे तो भी जो थोड़ा उत्थे बैठा ये दोस्त आ शुभचिंतक आ अगे तो भी थोड़े सारयां दे लई सुहेद तरीके नाल काम करन दा दी कोशिश करेगा। तो इस समय मैं अपने निजी फेरी ते आया सी, पर इसके बावजूद भी मैं कोशिश करांगा कि हर एक सोच दे व्यक्ति नू जो थोड़े चुने हुए नुमाइंदे उन्हां नू मिलन दे लई जिदा इत्थे मीडिया दे विच भी जिक्र होया सी कि जो उत्थे भी अलग अलग विचारधारा दे लोग बैठे ने वो अलग अलग पार्टियां दे नाल संबंध रखते हैं समय समय से वह भी इत्थे आके अपना प्रचार करते हैं पर मैं किसी एक पार्टी या व्यक्ति दे नाल जा सोच दे नाल उत्थे संबंधित नहीं गा। मैं सिर्फ इको एक जो जो लेबर पार्टी दे नाल संबंधित आ तो उन्हां दी गल मैं बुलंद तरीके नाल करदा रहांगा। जित तक 1984 दा जिहड़ा हमला होया सी जो इत्थे वाकया गुजरिया सी उहदे लई बहुत ही दर्द होया, बहुत सारे व्यक्तियों नूं बहुत ने पीड़ा हंडाया अते उत्थे सानू कदी ये ज्ञान नहीं सी कि उत्थे दी सरकार भी जो यूके दी सरकार आ ते उहदा भी कोई रोल हो सकदा आ। इस करके यूके दे विच जो उस समय जो थैचर मार्गरेट थैचर दी जो कंजरवेटिव पार्टी दी सरकार सी असी हुण तदी असी यह मंग कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो आजादाना तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए ता कि सानू पता लगे भी किस हद तक जो उत्थे दी मार्गरेट थैचर दी सरकार सी उन्हां दा की रोल सी। असी एक किसी होर सरकार दे बारे नहीं गल कर रहे, असी जो अपनी चुनी हुई जो यूके दे विच चुनी हुई सरकार उन्हां दी गल कर रहे हैं ताकि सानू उन्हां दे बारे पूरा खुलासा होवे कि उन्होंने केड़े केड़े कदम चुके सी ते क्यों चुके सी। दिल्ली में सिख जल्द ही अपने विवाह आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करवा सकेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार जल्द ही इस एक्ट को लागू करने जा रही है। दिल्ली सहित अन्य राज्यों में आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने की मांग पिछले एक सदी से की जा रही है। वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आनंद मैरिज एक्ट पास करवाया और सभी राज्यों को कहा था कि इसको लागू किया जाए, लेकिन तब से अब तक ये मुद्दा उसी दहलीज पर खड़ा है जहां से शुरू हुआ था, और अब इस दिशा में दिल्ली सरकार पहल गर्मी करती हुई नजर आ रही है। वही दिल्ली सरकार के इस कदम की सराहना तमनजीत सिंह ने कहा कि सिखों के लिए अलग मैरिज एक्ट होना चाहिए, न केवल भारत में बल्कि विदेशी धरती पर भी रह रहे पंजाबी भी यही मांग लगातार उठाते हैं। वही इस दौरान तमनजीत सिंह का कहना था कि दिल्ली सरकार का आनंद मैरिज एक्ट को शुरू करना एक बेहतरीन कदम है और मैं इसके लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आनंद मैरिज एक्ट मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हाँ सरकार नूं भी जो अलग अलग सिख जथेबंदियां सी जां जिहड़े होर शुभचिंतक सिगे सिख भाईचारे दे भी कि जिहड़ी आनंद मैरिज एक्ट होण दे विच आई आ इह बहुत समय तो एक रोस दा भी कारण सी ते इह एक मुद्दा अहम सी ते इह जिथे सिख भाईचारे लई भी बड़े फखर ते माण वाली गल है उत्थे मैं समझदा कि समूह भाईचारियां लई इह बड़ी खुशी दी गल है, क्योंकि जे एक भाईचारे नूं उहनां दा हक तां उहनां दा प्यार मिलदा आ उहनां दी सन्मान मिलदा आ इस नाल समूह भाईचारियां दे विच जो नेड़ता वो पैदा हुंदी है। देखो बाहरले सिख बहुत खुश ने कि उत्थे असी आजादाना तौर ते जो विआह शादियां हुंदियां ने उत्थे हर कोई मज़हब अपने तौर तरीके नाल विआह शादी कर सकदा आ ते इत्थे भी जो सिखां नूं इह सी कि असी अपने तौर तरीके नाल पे एक सिख मैरिज एक्ट नहीं है साढ़े अपने देश दे विच ओह हुण उहनां दे अपने देश दे विच इह गल होण दे विच आ गई। चंडीगढ़ से नेशनल बज़ के लिए विनोद प्रकाश की रिपोर्ट।